हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला, 22 घायल, 2 की हालत है गंभीर। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में एक बिहारी मुसलमान के मारे जाने की खबर है। मृतक चौक पर खिलौने बेच रहा था। इस हमले में 22 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों प्राथमिक सूचना के मुताबिक घायल होने वाले लोग आम नागरिक हैं। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। करतारपुर कॉरिडोर पर आतंक का साया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चल रहे हैं आतंकी कैंप। जी हां दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवल जिले में आतंकी ट्रेनिंग गतिविधियों की सूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि सरहदी जिले नरोवाल में ही करतारपुर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने कहा है कि आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के शंकरगढ़ और नरोवाल में स्थित है। यहां पर पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इखलासपुर और शंकरगढ़ में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में इनपुट समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को होना है और इस विषय में दोनों ही देशों की सरकारें चिंतित है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमित शाह ने शिवसेना को सीएम पद और गृह मंत्री पद देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही तनातनी के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बीजेपी के अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को सीएम पद और गृह मंत्री का पद देने से इनकार कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह ने शिवसेना के रवैये को देखते हुए राज्य बीजेपी को वेट एंड वॉच की भूमिका अपनाने को कहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी शिवसेना को राजस्व विभाग देने को तैयार है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना की तरफ से बीजेपी के साथ किसी भी तरह की बातचीत फिलहाल बंद है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारतीय बाजारों में चीन की घुसपैठ पर तगड़ा प्रहार, दिवाली पर चीनी सामान की बिक्री में 60% तक की आ गई गिरावट। जी हां दोस्तों, यह किसी सोशल मीडिया अभियान की अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। दोस्तों सोशल मीडिया पर चाइनीज सामान के बहिष्कार की तो पिछले 3 सालों से चल रही थी, लेकिन इसके नतीजे अब तक सामने नहीं आए थे, परंतु इस वर्ष इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आमतौर पर दिवाली के त्योहार के दौरान चीनी सामान भारी मात्रा में बिकता है, लेकिन चीनी सामान की बिक्री में इस वर्ष कमी आ गई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष चीनी सामान की बिक्री में लगभग 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में और पूरे विश्व में इस वक्त मंदी का दौर है। ऐसे में यह कमी मंदी के कारण भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर लटकी तलवार, विदेश मंत्रालय कर सकता है मना। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने की इजाजत पर अब तलवार लटकती दिख रही है। दोस्तों CNN न्यूज 18 के अनुसार विदेश मंत्रालय सिद्धू को पाकिस्तान जाने की इजाजत से इनकार कर सकता है। दरअसल दोस्तों पंजाब के पूर्व मंत्री सिद्धू ने बताया कि उन्हें करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के लिए न्योता मिला है और यह न्योता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें भेजा है, जिसके बाद सिद्धू ने विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय सिद्धू को पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से इनकार कर सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली NCR के लिए जारी हुआ हाई अलर्ट, बदलते मौसम से हवा और भी ज्यादा हो गई जहरीली। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में हुई हल्की बूंदाबांदी से हवा में प्रदूषण का स्तर 7 गुना तक बढ़ गया है। हवा में बढ़े इस प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और NCR की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली भारत सरकार की संस्था सफर ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक यह प्रदूषण बना रहेगा। इसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें और अगर आप घर
घर से बाहर निकलते हैं तो N95 और P100 मास्क का प्रयोग करें। ये आपको प्रदूषण से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा घर में वैक्यूम क्लीनर से सफाई न करें, गीले पोंछे से सफाई करें, लकड़ी, मोमबत्ती या कोई ज्वलनशील चीजें जलाने से भी बचें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सुबह सुबह टहलने या फिर शारीरिक व्यायाम करने से भी बचें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएमसी बैंक घोटाले में 8वीं मौत, इलाज के लिए पैसे न मिलने पर तनाव में थे एंड्रयू लोबो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए पीएमसी बैंक घोटाले में 8वें खाताधारक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एंड्रयू लोबो नाम के व्यक्ति इलाज के लिए समय पर पैसा न मिलने से जबरदस्त तनाव में थे, इसलिए बीते मंगलवार को उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह अब तक की 8वीं मौत है जो कि पीएमसी खाताधारकों की हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। खुशखबरी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बड़ी कटौती, जान लीजिए आज के भाव। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले दिन आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। दोस्तों आज की बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72.65 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 65.75 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सोने के भाव में फिर आई तेजी, जानिए आज के भाव। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। दोस्तों आज दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 78 रुपए बढ़ गया है, साथ ही चांदी का भाव भी 245 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है। दोस्तों सोने का भाव 78 रुपए की वृद्धि के साथ 39,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 245 रुपए बढ़कर 47,735 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। कूड़ा जलाने और कंस्ट्रक्शन पर अब 1 लाख लगेगा जुर्माना, नहीं कटेगी 4 राज्यों की बिजली भी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके आदेशों को बड़े स्तर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रचारित प्रसारित करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में कूड़ा जलाने और किसी तरह के निर्माण या ढहाए जाने की गतिविधि पर भी रोक लगा दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई दिल्ली NCR में जलाते हुए पाया गया तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते हुए पाया गया तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में अगले आदेश तक बिजली कटौती नहीं करने के आदेश दिए हैं ताकि डीजल जनरेटर को रोका जा सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अवैध प्रवासियों या घुसपैठियों की संख्या का पता लगाना बेहद जरूरी, NRC भविष्य के लिए है। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने असम NRC का बचाव करते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों या घुसपैठियों की संख्या का पता लगाना बेहद जरूरी था। असम NRC ने यही किया है। NRC मौजूदा समय का दस्तावेज नहीं है बल्कि भविष्य पर आधारित दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि हम इस दस्तावेज के जरिए भविष्य में होने वाले दावों पर निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, RCEP समझौते में शामिल नहीं होगा भारत, कहा देश हित से कोई समझौता नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने RCEP समझौते यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल न होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समस्याओं का संतोषजनक निपटारा न होने के चलते अपने पक्ष को लेकर पूरी तरह से मजबूती दिखाई है। उन्होंने पहले ही कह रखा था कि भारत के केंद्रीय हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस समझौते में शामिल होने से इनकार करते हुए सोमवार को पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा अंतर्मन इस समझौते में भारत के शामिल होने की इजाजत नहीं देता है। दोस्तों भारत इसका हिस्सा अब नहीं होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, RCEP समझौते में
कुछ बातें थी जो कि उभर कर सामने नहीं आ रही थी, जो कुछ इस प्रकार से है। आयात वृद्धि के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा, चीन के साथ मतभेद, 2014 को बेस ईयर माना जाना, मार्केट में दखल और गैर ट्रैफिक बाधाओं पर कोई विश्वसनीय विश्वास नहीं, यही कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से पीएम मोदी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो दोस्तों यह थी आज की सारी बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज की ओर से। इसके लिए आपको बस एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।